पर बसर थाना क्षेत्र में, और यहाँ देख रहे हैं कि रोड पे अभियान चलाई जा रही है, जांच अभियान, गाड़ियों के वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ डिक्की भी चेक की जा रही है और पेपर भी देखी जा रही है। आइए हम से बात करेंगे, दुर्गा साहब से बात करेंगे, किस तरह की जाँच है रोड में, किस तरह की जाँच चल रही है। यहाँ पर हम लोग विशेष जाँच कर रहे हैं पल्सर का, ये मतलब नहर खास करके आजकल शराब का मतलब बदल रहा है। कितना समय से आप यहाँ अभी जाँच में चला रहे हैं? अभी कोई गाड़ी के चालान वगैरह? हाँ, चालान अभी काटे हैं, यहाँ हेलमेट का था तो वो चालान काटे हैं। यानी दो चालान अभी तक आपने हेलमेट के काटे हैं, और ये खास करके यहाँ जांच अभियान चलाने का मकसद ये है कि नेपाल से इंडिया में कोई दो नंबर का सामान ना आए, खास करके ये शराब आ रही है, शराब ना आए, इसके लेकर जांच करें। अभी हम लोग जांच अभियान आप देखते हैं यहाँ बलसर थाना क्षेत्र के सिकटा प्रखंड में, और यहाँ हमारे दुर्गा साहब से भी बात की, उनको कहना है कि नेपाल से इंडिया में खास करके दो नंबर के सामान ज़्यादातर की एंट्री हो रही है। यहाँ हम लोग बॉर्डर पर हैं, और बॉर्डर पे खास करके दो नंबर के इसे इतना मिले गुप्त सूचना भी मिली है कि इसलिए हम यहाँ जांच अभियान चला रहे हैं, और गाड़ी का भी पेपर भी चेक हो रही है, हेलमेट वगैरह, लाइसेंस वगैरह सभी की तरह के यहाँ कागजात चेक हो रही है। और बलथर थाना द्वारा चलाया गया वाहन जांच अभियान कटा चालान। News9 Times सिकटा से सफीर अहमद के साथ मुसाहिब अहमद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण सिकटा प्रखंड के बलथर थाना क्षेत्र में पुलिस काफी सख्ती से दिख रही है। बलथर सिकटा मुख्य मार्ग नहर के पास वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ASI राजीव कुमार ने बताया कि वाहन जांच में डिक्की, कागजात, हेलमेट और साथ ही साथ नेपाल से कोई अन्य पदार्थ नहीं जाए, इसकी पूर्ण रूप से जांच की जा रही है। वहीं दो मोटरसाइकिल मालिक से हेलमेट ना पहनने के एवज में चालान को काटा गया है, और साथ ही साथ हिदायत भी दी गई है। News9 Times मैं सफीर अहमद, News9 Times सिकटा। यदि आप अपने आस पड़ोस, गली, शहर, मोहल्ले की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट होना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें Facebook पर फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, हमें Twitter पर भी फॉलो करें। देखते रहे News9 Times जो कि आपके गली मोहल्लों हर जगह की खबरों को प्रसारित करता है सबसे जल्दी। आप हमें पब्लिक ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें News9 Times।